शाहिद खान आपने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया, दुनिया की रंगीनियां देखी, कामयाबी आपके नजदीक क्या है? बहुत ही खूबसूरत और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बड़ा वैलिड पॉइंट सवाल है आपका। परसेप्शन क्या है कि लोग ये समझते हैं कि कामयाबी का पैमाना दौलत है, हमारे नजर में यही ऐसे ही है यार, जिसके पास पैसा है वो कामयाब है, ऐसा नहीं है। अगर कामयाबी का पैमाना दौलत होती ना, तो याद रखिएगा कि कारून से ज्यादा आज तक न दौलत किसी के पास आई है न आएगी। 70 ऊंटों पे उसकी खजानों की चाबियां जाती हैं, बेशक। मेरे अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दुनिया से नाकाम लौटा है, नाकामी है, सरासर नाकाम। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, कामयाबी पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, सही है, ठीक है। अगर कोई ये समझता है कि कामयाबी का पैमाना ताकत है, यानी फौजें हैं, तो भाई फिरौन से बड़ी फौज किसी के पास नहीं थी उस जमाने में, 16 लाख फौज थी मूसा अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट, लेकिन मेरे रब ने उसको फौजों समेत गर्क किया, कोई काम नहीं आई फौज, फौज नहीं है, मालो दौलत नहीं। इसका मतलब है कि ताकत भी हटा दें आप, ताकत भी हटा दें, हाँ जी, ठीक है। अब रह गई बादशाहत, बादशाहत भाई, अगर बादशाहत कामयाबी का पैमाना होता ना, तो नमरूद से बड़ी बादशाहत ना किसी ने देखी है ना कोई देखेगा, क्योंकि एट अ टाइम पूरे वर्ल्ड पे उसकी हुकूमत थी, पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया पे हुकूमत होना एक अलग चीज है, ठीक है। आज हम अमेरिका को सुपर पावर, सुपर पावर कहते हैं अमेरिका, लेकिन उसकी रशिया और चाइना पे सुपर पावर नहीं, ठीक है, लेकिन उसकी एट अ टाइम पूरे वर्ल्ड पे थी। लेकिन मेरे रब और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मामूली अल्लाह की मखलूक लंगड़े मच्छर से अल्लाह ने उसको नेस्त नाबूद कर दिया, हलाक कर दिया। एक लंगड़े मच्छर ने अर्ज किया, अल्लाह मैं तो तेरी सबसे कमतर मखलूक और वो भी मच्छर, वो भी लंगड़ा, मैं इसका क्या बिगाड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया आपका काम है घुसना और टोंगा मारना, तकलीफ तो हम पहुंचाएंगे। तो इट मींस बादशाहत भी कामयाबी का पैमाना, बादशाहत इज नॉट अ सिंबल, दौलत इज नॉट अ सिंबल, ताकत, ताकत इज नॉट अ सिंबल। तो भाई क्या है जी? वो खबर मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी ना, कि वो क्या है? वो ये है कि बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन गुलाम इब्ने गुलाम, बाप के अलावा दादा के अलावा कोई नसब भी लोगों के सामने नहीं, लेकिन जब वो मक्का की गलियों में चलते तो आवाज अर्श पे आती, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है कामयाबी, तुम्हारी जेबें खाली, तुम्हारे कपड़े फटे पुराने, लेकिन अगर मेरा रब तुमसे राजी है, उसका रसूल तुमसे राजी है, तो तुम दुनिया के कामयाब तरीन। हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत बात है।